दोस्तों इस मूवी सीन में आप जिस बंदे को देख रहे हैं उसने करीब 25,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगा दी है, और ये किसी भी तरह का CGI या VFX नहीं है, बल्कि रियल में ये हीरो आकाश से नीचे गिरकर इस कुछ मिनटों के सीन को शूट कर रहा है। अब ये सीन मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट का है, जिसमें बेहद ही फेमस एक्टर टॉम क्रूज इथन हंट का रोल प्ले करते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई भी होगा जो टॉम क्रूज को नहीं जानता होगा, वो स्पेशली मूवीज में अपने खुद के स्टंट्स करने के लिए ही तो फेमस है। अब इस वाले सीन को देखिए, यहाँ भी टॉम क्रूज ही है जो प्लेन से कूदकर मौत का दरवाजा ठकठका रहे हैं। अब चाहे कितने ही खतरनाक स्टंट्स क्यों ना हो, टॉम क्रूज उन्हें करने से घबराते नहीं है, उल्टा वो उन स्टंट्स को और ज्यादा खतरनाक बनाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग पर चढ़ाई की है, वो एक उड़ते हुए प्लेन के बाहर लटके हैं, और तो और उन्होंने हॉलीवुड का सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर स्टंट भी बिना CGI और VFX के कर दिखाया है। टॉम क्रूज अपनी मूवीज में एक ही तरह के स्टंट्स नहीं करते, हर नए मूवी के साथ वो कुछ और ज्यादा बड़ा करने की कोशिश करते हैं। अब आज के इस वीडियो में मैं आपको उनके कुछ बेहद ही खतरनाक स्टंट्स के बारे में बताऊंगा, जिसे बनाने के लिए थोड़ा स्पेशल इफेक्ट्स भी यूज किया गया था। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक, और बने रहिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ। मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल। दोस्तों, दुबई का बुर्ज खलीफा 2700 फीट से भी ज्यादा ऊंचा है। इसके साथ ही यह इस वक्त वर्ल्ड की सबसे लंबी बिल्डिंग है। अब मुझे यकीन है कि हर कोई एक ना एक बार इस बिल्डिंग को देखना या ज्यादा से ज्यादा रहने तो जरूर चाहेगा, लेकिन टॉम क्रूज के कुछ और ही प्लान्स थे। वो इस बिल्डिंग के बाहर लटक कर इस पे चढ़ाई करना चाहते थे और मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल का एक बेहद ही आइकॉनिक सीन शूट करना चाहते थे। अब इस स्टंट के पीछे की कहानी बेहद ही पॉपुलर है। टॉम क्रूज हमेशा से ही बुर्ज खलीफा पर एक स्टंट करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक स्टंट कोऑर्डिनेटर को हायर किया और उसे अपना प्लान बताया। अब उस स्टंट कोऑर्डिनेटर ने यह स्टंट करने से तुरंत मना कर दिया और कहा कि इस स्टंट में जान जाने का बहुत ज्यादा चांसेस है, लेकिन टॉम क्रूज नहीं माने। उन्होंने एक दूसरे स्टंट कोऑर्डिनेटर को हायर किया और स्टंट को अंजाम दिया। अब इस लाजवाब सीन के लिए टॉम 1700 फीट तक ऊपर तक चढ़े थे। उन्होंने एक बेहद ही स्ट्रेटेजिक हार्नेस पहने थी जो बिल्डिंग के जरूरी पॉइंट्स पर बंधे हुए थे। अब इसके लिए मिशन इम्पॉसिबल के क्रू को बुर्ज खलीफा के करीब 26 खिड़कियां तोड़नी पड़ी थी। जिस हार्नेस को टॉम ने पहन रखा था वो इतना ज्यादा टाइट था कि एक पॉइंट पर उसने ब्लड सर्कुलेशन को भी रोक दिया था। IMAX कैमरास और हेलीकॉप्टर में मौजूद कैमरास की मदद से इस पूरे सीन को शूट किया गया था। उन्हें शूट करने के लिए पूरे दिन में बहुत कम समय मिलता था और इसीलिए उन्हें हर सीन को जल्द से जल्द शूट करना था। लेकिन टॉम को केवल इस बिल्डिंग पर चढ़ना ही नहीं था। अब अगर आपको मूवी में से ये बुर्ज खलीफा का सीन याद होगा तो इसमें टॉम बिल्डिंग से नीचे भी गिरे थे और साथ ही साथ उन्होंने ऑस्ट्रेलियन रैपलिंग नाम की एक टेक्निक भी इस पे करी थी। लेकिन टॉम ने इस स्टंट को डायरेक्टली बुर्ज खलीफा पर नहीं किया था, बल्कि उन्होंने पहले ग्लास वॉल के ऊपर करीब 200 घंटे तक अच्छे से प्रैक्टिस की थी। अब वैसे भी ये पहली बार नहीं था कि टॉम किसी ऊंची जगह पर चढ़ रहे थे। दरअसल मिशन इम्पॉसिबल 2 में उन्होंने 2000 फीट के पहाड़ पर एक पतली रस्सी की मदद से क्लाइंबिंग भी किया था। मिशन इम्पॉसिबल रोग नेशन। दोस्तों, ज्यादातर लोग प्लेन्स के ऊपर कैसे चढ़ते हैं, वो दरवाजे से अंदर घुसते हैं और प्लेन के नीचे लैंड करने का इंतजार करते हैं, लेकिन टॉम क्रूज का भाई अलग ही स्टाइल है। दरअसल अपने मूवी मिशन इम्पॉसिबल रोग नेशन में उन्होंने सारी हदें पार कर दी थी और उड़ते हुए प्लेन के बाहर लटक गए थे। अब मैं आपको बता दूं कि ये सीन बिल्कुल भी CGI से नहीं बनाया गया है और स्पेशल इफेक्ट्स की मदद से केवल एक रस्सी को गायब किया गया है, जिसकी मदद से टॉम प्लेन से अटैच थे। अब ये सीन मिशन इम्पॉसिबल रोग नेशन का ओपनिंग सीन है। इसमें टॉम को एक एयरबस A400M प्लेन से अटैच कर दिया गया था जो 1000 फीट ऊपर तक उड़ रहा था। अब ये प्लेन करीब 6 से 8 मिनट तक हवा में रहा था और एक लंबा चक्कर मारकर फिर लैंड करता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे समय में टॉम इस तरह से इसके बाहर ही अटैच थे। अब क्योंकि ये प्लेन हवा में इतनी ऊपर तक गया था, इसलिए टॉम क्रूज को स्पेशल कॉन्टैक्ट लेंसेस पहनने पड़े थे ताकि उनकी आंखों को बचाया जा सके। अब मूवी के क्रू को ये बात पक्की करनी थी कि वेदर कंडीशंस उड़ने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। अब अगर ये प्लेन एक भी पंछी से टकरा जाता तो टॉम की जान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। अब यहाँ पर मैं एक और बात बता दूं कि टॉम क्रूज ने इस स्टंट को सिर्फ एक बार नहीं किया था, बल्कि उन्होंने ये सेम स्टंट करीब 8 बार किया था, और इसके बाद ही एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर संतुष्ट हो पाए थे कि उन्हें अपनी मूवी का परफेक्ट शॉट मिल गया है। अब दोस्तों, मिशन इम्पॉसिबल रोग नेशन में एक नहीं बल्कि 2 स्टंट्स ऐसे थे जिन्हें टॉप लेवल डेंजरस के कैटेगरी में डाला जा सकता है। अब एक तो प्लेन से बाहर लटकने वाला सीन था ही, अब इस दूसरे स्टंट को करने के लिए टॉम क्रूज ने मिलिट्री स्टाइल में ट्रेनिंग ली थी। मूवी के अंदर इथन हंट यानी कि टॉम को एक अंडरग्राउंड वॉल्ट खोलना था।
अब वैसे तो पूरा वॉल्ट CGI से बनाया गया था, लेकिन टॉम को तब भी पानी के अंदर इस पूरे सीन को शूट करना था। उन्होंने करीब 6 मिनट्स तक लगातार अपनी सांसें रोककर इस सीन को शूट किया था। पूरे सीन को एक 20 फीट के पानी के टैंक में फिल्माया गया था। अब टॉम को हर एक टेक करीब 4 से 6 मिनट तक सांसें रोककर फिल्म करना था। टॉम क्रूज के मुताबिक ज्यादातर अंडरवाटर सीक्वेंसेस में एक्टर्स ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड के लिए अपनी सांसें रोके रखते हैं, इसीलिए भी ये एक बहुत ही खतरनाक सीन था। अब उन्होंने एक स्पेशल फ्री डाइविंग एक्सपर्ट्स के साथ सांस रोकने की ट्रेनिंग ली थी, और ये ट्रेनिंग केवल मिलिट्री के लोग ही इस्तेमाल करते हैं। उन्हें बहुत से ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने पड़े थे, जिसकी मदद से उनकी हार्ट रेट नॉर्मल से काफी कम हो गई थी, जिसके चलते वो लंबे समय तक अपनी सांसों को रोक सकते थे। अब इस तरह से दोस्तों वो अपनी बॉडी को कम ऑक्सीजन के आदि बना रहे थे, लेकिन उन्हें पानी के अंदर एक ही जगह पर नहीं रहना था, बल्कि उन्हें सीन शूट करने के लिए लगातार यहां वहां तैरना भी था। अब हम सबको पता है कि पानी के अंदर फिजिकल एक्टिविटीज करने से ऑक्सीजन कितनी जल्दी खत्म होता है। अब जरा सोचिए, इस तरह के सीन को उन्होंने 6 मिनट तक सांस रोक के शूट किया था। पूरे मूवी के क्रू ने इस सीन को 10 दिन के अंदर फिल्माया था। मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट हेलीकॉप्टर सीन। दोस्तों टॉम क्रूज ने प्लेन उड़ाया है और प्लेन से लटके भी है, लेकिन मिशन इम्पॉसिबल की लेटेस्ट रिलीज हुई सीरीज में उन्होंने बेहतरीन हेलीकॉप्टर चेज सीन को शूट किया था। अब ये वाली सीन तो आपने इस मूवी में देखा ही होगा। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि टॉम अपनी मूवी में CGI का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते, वो जितना हो सके सीन को रियलिस्टिक ही बनाने की सोचते हैं। अब इस हेलीकॉप्टर चेज स्टंट को भी उन्होंने खुद ही किया था। अब इस सीन में इथन हंट हेलीकॉप्टर में बैठकर एक न्यूक्लियर धमाके को होने से रोकता है। अब टॉम क्रूज ने खुद इस पहाड़ी इलाके में हेलीकॉप्टर उड़ाकर ये सीन शूट किया था। एंड बिलीव मी गाइस, किसी भी हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए कम से कम 2000 घंटे का फ्लाइंग टाइम होना ही चाहिए। टॉम दिन में करीब 16 घंटे तक हेलीकॉप्टर को उड़ाकर इस सीन की प्रैक्टिस करते थे। पूरे सीन को शूट करने के लिए करीब 13 हेलीकॉप्टर्स एक साथ हवा में होने वाले थे। अब इसीलिए टॉम और पूरी मूवी की टीम ने हर छोटी चीजों को खिलौने वाले हेलीकॉप्टर से प्लान किया था। अब खुद टॉम को बहुत सारे प्रिपरेशंस करने पड़े थे, क्योंकि हेलीकॉप्टर उड़ाने के साथ साथ उन्हें उसके अंदर के कैमरास को भी ऑपरेट करना था। अब हर पर्टिकुलर चीज को प्लान करना और उसे बिल्कुल उसी तरह से अंजाम देना बेहद ही जरूरी था, और अंत में जाकर ये सीन कितना एपिक बना ये तो आप सभी ने एक्सपीरियंस किया ही होगा। मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट स्काई डाइविंग सीन। दोस्तों मिशन इम्पॉसिबल 2 में टॉम क्रूज का कैरेक्टर एक हेलीकॉप्टर से छलांग लगाता है, लेकिन वो पूरा सीन एक ग्रीन स्क्रीन के सामने फिल्माया गया था। नाउ अब टॉम क्रूज फिर से ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे, और मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट में उन्होंने सच में एक प्लेन से छलांग मार के हालो जंप को अंजाम दिया था, और कैमरा पर इसे फिल्माने वाले पहले एक्टर बन गए। हालो का मतलब होता है हाई अल्टीट्यूड लो ओपनिंग। इसमें लोग 25,000 से ज्यादा फीट ऊपर से कूदते हैं और पैराशूट को तब तक नहीं खोलते जब तक कि वो करीब 2000 फीट की ऊंचाई पर नहीं पहुंच जाते। अब इस मिलिट्री टेक्निक की मदद से सैनिक बिना देखे दुश्मन के एरिया में लैंड कर सकते हैं। अब टॉम क्रूज ने इस सीन को एक बड़े से विंड टनल के ऊपर प्रैक्टिस किया था। अगर टॉम के स्टंट कोऑर्डिनेटर की माने तो इस सीन को शूट करने के लिए वो 100 बार प्लेन से कूदे थे, और साथ ही साथ एक ट्रेंड कैमरा ऑपरेटर भी टॉम के साथ इस सीन को शूट करने के लिए कूदा था। अब इस बात को ध्यान में रखना बेहद ही जरूरी था कि एक्टर के फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत ही अच्छे से कैमरा में कैद हो, इसलिए टॉम के लिए एक स्पेशल हेलमेट को बनाया गया था जो टॉम के फेस पर लाइट फेंकता है और साथ ही साथ उन्हें सांस लेने में मदद करता है। नाउ मुझे यहाँ पूरा यकीन है कि आने वाले मूवीज में भी टॉम क्रूज एक से बढ़कर एक स्टंट्स करने वाले हैं। अब कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इनमें से कौन सा स्टंट सबसे ज्यादा पसंद आया था, और साथ ही साथ वीडियो पसंद आया तो लाइक करने के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अब दोस्तों अगर आपको मेरी ये सीरीज पसंद आई तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, मैं दूसरे मूवीज के स्टंट्स को भी इसी तरह सीरीज में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।